नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन विद द चैप्टर चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर। यस्टरडे वी हैव डन द हीट जोन ऑफ द अर्थ इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। एंड टुडे आवर टॉपिक इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो कम विथ योर बुक पेज नंबर 132 एंड वी विल स्टार्ट। So let's start with the page number 132. There is a diagram. Yesterday we have discussed this diagram and we have discussed about the torrid zone, about the temperate zone and about the frigid zone. Fine. And today we are explaining the atmospheric pressure. Fine, students, keep book with you. So first start with this topic, atmospheric pressure. The pressure extracted from the earth's surface by the weight of the columns of air above it is known as the weight, as the atmospheric pressures and the air pressure. इसको हम क्या कहते हैं, atmospheric pressure या फिर air pressure. The pressure of the atmospheric is maximum at the sea level and decrease with the increase of altitude. हम जैसे जैसे समुद्र के पास आते हैं, सी लेवल के पास आते हैं, जो लेवल है, जो एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड मैंने बताया था आपको, एल्टीट्यूड मीन्स हाई अबाउ द सी लेवल, जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ द एटमोसफियर, कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं एटमोसफियर का, उसका यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, किसे करते हैं बताइए, थर्मामीटर, कल किया था किसमें, फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों में ही इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नाउ एयर प्रेशर एक्सप्रेस ऑफ यूनिट ऑफ द मिलीबार, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे MB, क्या लिखेंगे MB, यहाँ देखिए मिलीबार, एंड द मेजर विद द बैरोमीटर, किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर, ये याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग द प्रेशर, देखिए सब और थोड़ा सा नीचे आइए, फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्रेशर, देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम सबका, जैसे हमने टेम्परेचर के फैक्टर्स लिखे और अभी हम किसके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर्स। सो अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स द एयर प्रेशर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हर जो अर्थ की सर्फेस है उस पर अलग अलग से जो है प्रेशर्स होते हैं, जो अलग अलग जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, हम उसका स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है वो है, फर्स्ट पॉइंट इज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अगेन वी आर डूइंग दिस टॉपिक एल्टीट्यूड। एज वी गो हायर इनटू द एटमॉस्फेयर देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का जो प्रेशर है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। हैंस एयर प्रेशर डिक्रीज विथ एंड द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड्स एट द रेट ऑफ वन, अब यहाँ पे MB की फुल फॉर्म हमने की थी मिलीबार, तो मिलीबार जो है फॉर द एवरी 10 मीटर इंक्रीज इन द हाइट, हर 10 मीटर जब इंक्रीज होते हैं हाइट में तो उसका जो एल्टीट्यूड का है जो रेट कितना होता है, 1 मिलीबार। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, विद इन एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एयर एक्सपेंड बिकम द लाइटर एंड राइज अपवार द प्रोड्यूसिंग लो प्रेशर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, जब हम अर्थ के बिल्कुल पास में होते हैं, जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं सरफेस पर। सिमिलरली सरफेस टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो एंड एयर अबाउ द कूलर एंड द कंस्टेंटली कंट्रास्ट बिकम हैवियर एंड डेंसनर कॉजेज हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर जहाँ पर होता है एयर का वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और एक जगह पर इंक्रीज होता है टेम्परेचर, एक जगह पर क्या होता है, डिक्रीज। इसके बाद है मॉइस्चर, मॉइस्चर को हम कहते हैं नमी, मॉइस्चर होता है नमी, तो यहाँ पर मॉइस्चर की बात करें, देखिए ये मॉइस्चर
सो मॉइस्चर्स में है, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज़ लाइटर देन ड्राई एयर. एयर में क्या कंटेन होता है? वाटर वेपर, यानी कि नमी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर. हैंस एंड इंक्रीज इन द मॉइस्चर्स कंटेन इन द एटमोसफियर लीड्स टू अ डिक्रीज इन द प्रेशर. जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चर से नमी आ जाती है. लास्ट है यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ. लास्ट में क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ. यहाँ देखिए रोटेशन है अर्थ का. सभी को पता है कि कितना टाइम लगता है रोटेट करने में अर्थ को? कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स वन रोटेशन कंप्लीट करने में. यहाँ पर द रोटेशन ऑफ द एयर, सॉरी रोटेशन ऑफ द अर्थ एट टाइम डिस्प्लेस द मास ऑफ एयर कॉजिंग द चेंज द प्रेशर कंडीशन ऑफ द एरिया. अब देखिए जो पोजिशन होती है हमारे अर्थ की, उसके अकॉर्डिंग रोटेशन जो है वो होता है. रोटेशन के कारण हमारी जो अर्थ है वो घूमती है, सबको पता है. वन एक 12 आवर डे रहता है, 12 आवर नाइट रहती है, और उसी वजह से जो है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है या टेम्परेचर है या एटमोसफेयरिक का जो भी चेंज है वो होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विंड. यहाँ पे देखिए लास्ट आपका टॉपिक है विंड. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए टाइप्स ऑफ विंड्स करने से पहले यहाँ पर देखिए ये एनेनोमीटर्स दे रखा है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि एनेनोमीटर जो है कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द विंड स्पीड. ये विंड की स्पीड को क्या करता है? मेज़र करता है. और विंड वैन जो है वो किसको मेज़र करता है? उसकी डायरेक्शन को, कि वो किस डायरेक्शन से है. क्लियर है? सो ये इसका डायग्राम है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ विंड. कितने टाइप्स की विंड होती है? देयर इज हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स है. द थ्री काइंड्स ऑफ परमानेंट विंड सिस्टम्स आर द पैलेंटली विंड्स, पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड. यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे थ्री टाइप्स की है विंड जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं. इन तीनों विंड्स को हम पढ़ेंगे एक एक करके, ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहली है प्लेनेंट्री विंड्स. सब बुक के साथ सब समझेंगे सारे चैप्टर को. द प्लेनेंट्री विंड्स विच ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट थ्रू आउट द ईयर. वो विंड्स, वो हवाएं जो ब्लो करती है कहाँ से? हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट पर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर. उसको हम क्या कहेंगे? प्लेनेंट्री विंड्स. And it's also known as the prevailing and permanent wind. इसको इसके दो और नाम है, ध्यान रखेंगे क्या क्या नाम है इसके. देखिए इसके नाम है prevailing and the permanent wind. ये दो इसके नाम है. इसके बाद है trade winds and the easter lines and western lines are the plenary winds. ये उसके examples हैं. कई बार example पूछे जाते हैं तो trade winds है और easter lines and the western lines, ये किसके examples हैं? Plenary winds के. Now next is the periodic winds. जैसा कि इसका नाम है periodic, यानि एक particular period में या time में ये क्या करती हैं? Blow करती हैं. एक बार फिर से देखिए इसको. द विंड्स विच ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन और टाइम दोनों दे रखा है, यानी पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर जो है डायरेक्शंस में ये क्या करती है? विंड ब्लो करती है. ठीक है, इट्स नोन एज पीरियोडिक एंड सीजनल विंड. इसका दूसरा नाम क्या है? सीजनल विंड्स. यहाँ पे देखिए सीजनल विंड लिखा हुआ है. दे चेंज इन द डायरेक्शंस पीरियोडिकली. पीरियोडिकली यानी टाइम के अकॉर्डिंग इनका डायरेक्शंस क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. दे चेंज देयर डायरेक्शंस पीरियोडिकली. द मॉनसून विंड्स दैट इफेक्ट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक विंड्स. लैंड्स एंड सी ब्रीज आर ऑल्सो पीरियोडिक विंड्स ऑन द स्मॉलर स्केल. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक साथ दे दिए हैं. यहाँ पर ये मॉनसून विंड है, ये सबसे पहली बात तो. इसका दूसरा नाम क्या है? सीजनल विंड. किसका? पीरियोडिक विंड्स का. पीरियोडिक विंड का दूसरा नाम क्या है? सीजनल विंड. अब ये इसके एग्जांपल्स थे पीरियोडिक विंड के. लैंड एंड सी ब्रीज आर दिस द इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज द लोकल विंड. ये आप सबको पता होगा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. लू का नाम सुना है? लू हमारे राजस्थान में जब गर्मी होती है, बहुत गर्म गर्म हवाएँ चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लू. हम कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कहते हैं बाहर मत निकलिए आप बाहर घर से, आपको क्या लग जाएगी? लू. सो दिस इज द लोकल विंड, दिस इज द टाइप ऑफ लोकल विंड.
So in the local, many parts of world, local winds with the special characteristics blow over the smaller area and the short duration of time. अलग अलग एरिया में होती है, सब जगह नहीं होती है, शॉर्ट पीरियड टाइम्स के लिए होती है लोकल विंड्स. देखिए इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टराइटीज होते हैं. बाय द लोकल वेरिएशन टेम्परेचर आर द सीजनल इन नेचर एंड आर ऑफन नोन एज देयर लोकल नेम्स. इसका इनके सबके लोकल नेम्स होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है. लू आर हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम द राजस्थान, डिजर्ट्स बिलो ओवर द नॉर्थन प्लेन. अब यहाँ पे देखिए लू का एग्जाम्पल आया, ये आपके MCQs में भी था. लू किसका एग्जाम्पल है? सीजनल विंड्स का, या लोकल सॉरी ये किसका एग्जाम्पल है? लोकल विंड का, जो कहाँ पर बहती है? नॉर्थन प्लेन्स में. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डू नेक्स्ट इज द डायग्राम्स करेंगे हम, जैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है उसका एक डायग्राम देखेंगे हम. उसको एक बार देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ऊपर आपकी बुक में ही है. ये रहा, देखिए नीचे ये आपका डायग्राम है 14.4 पर, लो प्रेशर्स एंड हाई प्रेशर्स का. इसको एक बार देखेंगे, सदर्न ट्रेड, नॉर्थन वेस्ट लाइंस, जिसके भी हमने एग्जांपल्स किए थे वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? विंड्स की. नाउ एक यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है इसका, हम जल्दी से रीड आउट करते हैं. सम अदर विंड्स इंक्लूड द व्हिर्टलिंग मासेज ऑफ एयर दैट ऑफन डेवलप इन टू द स्ट्रॉम अराउंड लो प्रेशर सिस्टम. These are strong winds which revolve inwards around the center of the low pressure area and are accompanied by the torrential rain and the thunderstorm. Thunderstorm सुना है आपने? Warm ocean water usually fuels such as storms. Such storms are known as cyclones in the Indian Ocean. The storm that develop in the temperature latitudes are known as temperate एंड द साइक्लोन ऑफ द डिप्रेशन. अब देखिए साइक्लोन क्या होता है पानी में, देखिए प्रेशर लैंड पर भी होता है और प्रेशर क्या होता है वाटर में भी होता है. साइक्लोन चलते कई बार आंधियाँ चलती हैं, आंधियों के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो ये हवाएं चलती है बहुत, इनका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता लेकिन कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनको हम क्या कहते हैं, थंडर स्ट्रॉम्स या फिर जो साइक्लोन है उनको इस नाम से भी जाना जाता है. नाउ यहाँ पर एक केस स्टडी है, केस स्टडी साइक्लोन टिटली 2018. इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. द एक्सट्रीमली सर्व साइक्लोन स्ट्रॉम टिटली वॉज पार्ट ऑफ द 2018 नॉर्थन इंडिया ओशियन साइक्लोन सीजन. ऑन द अक्टूबर, कब की बात है? ऑन द अक्टूबर 11, 2018 साइक्लोन टिटली दैट डेवलप्ड इन द बे ऑफ बंगाल. कहाँ से जनरेट हुआ? बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल कौन सी साइड में आता है बताएंगे? दिस इज फ्रॉम द ईस्टर्न साइड. एंड टोर इन टू द कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश विद द विंड्स ऑफ अप टू 150 किलोमीटर एंड 142 मिलीमीटर ऑफ रेन. आफ्टर मेकिंग द लैंडफॉल, देखिए लैंडफॉल हुआ यहाँ पे, टिटली मूव अ यूनिक टर्न एंड द चेंज इज डायरेक्शन एंड मूव टूआर द नॉर्थन ईस्ट टूअर्ड्स बंगाल एंड बांग्लादेश. देखिए यहाँ से ये जो रेन है या जो लो प्रेशर जो है यहाँ से टर्न होके कहाँ पर चला गया? बे ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश. टिटली ब्रॉड स्ट्रॉन्ग विंड्स इंसिस्ट द torrential rains and high storm surges which flooded the coastal area causing the imminent loss of life and the property in spite of timely warning from the IMD. अब देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका डिजास्टर था कि इतना टाइम नहीं मिला, बहुत सारे जो लोग हैं वो भी मर गए इसमें और बहुत सारा डिजास्टर हुआ. यूज़ वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें थी. डिवास्टिंग फ्लड, अपरूटेड ट्रीज, यानी कि इतनी ज़ोर से फ्लड आई पानी, जो रेन की वजह से जो पानी आया इतना ज़्यादा हुआ. अपरूटेड ट्रीज़ यानी ट्रीज जो है वो ट्री क्या हो गए? अपरूटेड यानी कि गिर गए. एंड पावर लाइन्स अलॉन्ग द कोस्टल ऑफ द गोपालपुर एंड द श्री काकुलम्स डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी पावर लाइन्स थे और जितने भी जो चीज़ें थी जो एरियाज थे वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई. ये एक एग्जाम्पल है इसी का. नाउ यू कैन सी इन दिस मैप, देखिए किस तरह से ये
टिटली जो साइक्लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने डिजास्टर किया। देखिए पहले यहाँ से जो वेनसडे यहाँ पे दे रखा है आपका, यहाँ से देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ देखिए ये किस तरह से कनेक्ट हुआ है एक दूसरे के पास से, और एक के बाद दूसरे एरिया को उसने क्या किया यहाँ पे डिजास्टरस एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से। नाउ इसमें देखिए मोर देन 3 लाख पीपल वर इवेक्टेड, कितने लोग इफेक्ट हुए इससे, मोर देन 3 लाख पीपल, 3 लाख से भी ज़्यादा लोग, एंड 27 लॉस देयर लाइफ, इतने लोग मारे गए। रोड्स वर ब्लॉक्ड एंड पावर सप्लाई वॉज लॉस, सारे रोड ब्लॉक हो गए, पावर सप्लाई जो है वो ख़त्म हो गई। एग्रीकल्चर लैंड एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज सफर्स मोस्ट डैमेज अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ फिशिंग वेसल्स, यानी कि एग्रीकल्चर मोस्टली जो कोस्टल एरिया है मेन ऑक्यूपेशन वॉज द फिशिंग, वो सारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इन द इमेज रियलाइज दैट इंडियन मेट्रोलॉजिकल्स डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म है IMD, डिप्रेशन इज सीन ओवर बे ऑफ बंगाल ऑन द वेनसडे, देखिए कुछ पहले तो चीज़ें देखी गई वेनसडे को, एंड साइक्लोन टिटली इंटेंसीफाई इन टू द सेवरल साइक्लोन स्टॉर्म्स ऑन वेनसडे एंड इज मूविंग टू आर द ओडिशा आंध्र प्रदेश कोस्ट एंड द ट्रेगिंग रेनफॉल इन द सेवरल पार्ट ऑफ द ओडिशा अकॉर्डिंग टू द IMD के अकॉर्डिंग। ये देखिए इसकी पिक्चर नीचे भी दे रखी है किस तरह से साइक्लोन आया, एक जैसे गोल गोल घूमता है उसी तरह से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर अराउंड द विच इज द कंटेनिंग द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है एयर के अराउंड में चारों तरफ उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। देन That is when a temperature is high, humidity increase and due to the high rate of evaporation. जैसे जैसे temperature ज़्यादा होता है, गर्मी होती है कहीं पर बहुत तेज़ गर्मी होती है, humidity होती है, पसीना आता है, उमस सी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, humidity। और जब बहुत तेज़ हो जाती है तो उसी वक्त क्या होती है, rain भी होती है। The amount of moisture present in the atmosphere varies from place to place and time to time. जो moisture है वो time to time change भी होता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। The hygrometer is used to measure humidity. देखिए अभी यहाँ पे इसका measuring unit दे रखा है, क्या है, hygrometer। सबके measuring unit दे रखे हैं, सबके measuring unit आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। The moisture moves in the next topic is का the moisture move in the cyclic manner from the surface of the earth in the atmosphere and back again which is refers as the hydrological cycle। अब यहाँ पे देखिए मॉइस्चर जो है साइक्लिक मैनर में अर्थ पे रहता है, एटमॉस्फेयर में वापस भी आता है, विच रिफर्स एज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जैसे वाटर साइकिल होता है। ड्यूरिंग दिस साइकिल इट्स मूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कंडीशंस एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारे किसके प्रोसेस हैं, अपने जो रेनफॉल है उसके प्रोसेस है, वाटर साइकिल जिसको हम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इवेपोरेशन कंडीशंस प्रेसिपिटेशन एंड लास्ट है आपका 3 काइंड्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड रिलीफ कन्वेंशनल एंड द साइक्लोनिक, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म है। तो मैं आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इवेपोरेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितना भी टॉपिक आज का क्लियर किया है बुक में अंडरलाइन करेंगे, सारी मेजरिंग यूनिट याद करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।